पुरोहितं यज्ञस्य देवं रत्मिजं होतारं रक्तदातमम्। रामायण और महाभारत की कथाओं को टेलीविजन पर देखते समय हमने प्राय किसी योद्धा को अपने धनुष में बाण का संधान कर कोई मंत्र पढ़ते हुए देखा होगा। इस मंत्र के फलस्वरूप वो साधारण बाण किसी मायावी अस्त्र में बदल जाता था। कभी एक तीर से हजारों तीर निकलते हुए देखे होंगे, या फिर बाण छोड़ने पर बिजली गिरते या अग्नि की वर्षा होते हुए भी देखी होगी। ये सब देखकर अगर आपके मन में इन दैवीय अस्त्रों के विषय में जानने की उत्सुकता हुई होगी तो सूत्रधार की ये विशेष श्रृंखला आपके लिए है। हिंदी में युद्ध में प्रयोग होने वाले उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र को शत्रु की ओर फेंक कर प्रहार किया जाता है और शस्त्र को अपने हाथ में पकड़कर। उदाहरण के तौर पर बाण तथा भाला अस्त्र और गदा तथा तलवार शस्त्र की श्रेणी में आते हैं। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देव और असुर दैवी या आसुरी अस्त्रों से युद्ध करते थे। ये अस्त्र मानवीय अस्त्रों की तुलना में कहीं अधिक विध्वंसकारी होते थे। इन अस्त्रों का प्रयोग केवल देवताओं और असुरों तक ही सीमित नहीं था। पूर्व युगों में मानवों ने भी युद्ध में इन दैवी अस्त्रों, जिन्हें दिव्यास्त्र भी कहते हैं, का उपयोग किया था। देवताओं के ये अस्त्र मानवों को कड़ी साधना कर दैवी शक्तियों को प्रसन्न करने पर प्राप्त हुए और फिर उनसे उनके वंशजों या शिष्यों को इन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। रामायण काल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने गुरुओं वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषियों से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिनका उपयोग उन्होंने अनेक मायावी राक्षसों से युद्ध में किया था। राक्षस राज रावण का वध भी श्री राम ने ऋषि अगस्त्य द्वारा सिखाए गए ब्रह्मास्त्र से किया था। उसी प्रकार महाभारत में भी अनेक योद्धाओं को दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। भगवान परशुराम ने अपने शिष्यों भीष्म, द्रोण और कर्ण को ये ज्ञान प्रदान किया था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों और पुत्रों को इन अस्त्रों की शिक्षा दी। अर्जुन ने देवताओं को प्रसन्न कर उनसे भी अनेक दैवीय अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों को जो भी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था, उन सभी अस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को था। अर्जुन ने अपने शिष्यों सात्यकी और अभिमन्यु इत्यादि को भी ये ज्ञान प्रदान किया था। सूत्रधार की इस विशेष श्रृंखला में हम महाभारत में वर्णित अनेक दिव्यास्त्रों के विषय में जानेंगे।